कुमारी शीला ने सोलन के निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अपने हारने का ठीकरा नगर निगम के विरोध में बनी ग्रामीण संघर्ष समिति के सर पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस समिति ने ग्रामीणों के दिलों में उनके प्रति जहर घोला। सरकार की मंशा पर भी कई सवाल खड़े किए। गांव के भूले वाले लोग उनके झांसे में आ गए, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह इस हार से घबराने वाली नहीं है। ये गाँव वासियों के साथ पहले भी खड़ी थी और भविष्य में भी खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार भाजपा की है और गाँव वासियों की समस्याओं का हल प्रदेश सरकार से मिलकर अवश्य करेंगी। कुमारी शीला ने कहा कि सोलन को नगर निगम बनाया गया, जिसमें कुछ गांव को शामिल किया गया। गाँव वासियों ने संघर्ष समिति बनाई, जिसका वह भी हिस्सा रहे। लेकिन कुछ लोग संघर्ष समिति की आड़ में जब राजनीति करने लग गए तो जिला परिषद चुनावों के लिए विसात बिछाने में जुट गए, तो उन्होंने इस समिति से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति के दुष्प्रचार के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ गाँव नगर निगम में आए, लेकिन उन्हीं गाँवों को नगर निगम में शामिल किया गया, जिनका शहरीकरण हो चुका है। इन गाँवों को आने वाले समय में काफी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उनमें भ्रम फैला कर केवल वोटों की राजनीति की गई है। ग्रामीण संघर्ष समिति आपकी हार का कारण बनी? कहीं ना कहीं उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो क्या सिर्फ एक ही वजह है आपके हारने की, और जैसे आपने मंथन किया होगा, अगर क्या वजह मानती? देखिए, जब ग्रामीण संघर्ष समिति बनी थी उसमें लगभग हम सभी लोग थे कि ये नहीं जाना चाहिए निगम में, हम भी थे उसमें। परंतु जब उन्होंने सरकार को गालियां निकालनी शुरू करी, प्रशासन को गालियां निकालनी शुरू करी, फिर हम उस समिति से बाहर हुए। हमें इनका मकसद समझ आ गया था कि ये लोग बात करना नहीं चाहते थे, ना कभी मुख्यमंत्री को मिले ना मंत्री को मिले। इनका लक्ष्य जो एक था कि हमने चुनाव लड़ना है, उस प्रकार से ये संघर्ष कर रहे थे। तो हम भी संघर्ष समिति से बाहर हुए और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, और जो गाँव के एरिए थे वो सारे के सारे छूट गए। जो नेचुरली जिनका शहरीकरण हो गया था वही एरिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। लोगों में वहाँ कोई विरोध नहीं है जो निगम में गए, परंतु इस संघर्ष समिति ने जिस प्रकार से लोगों को भड़काया तो वो भी कारण रहा।